بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي فالفم الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، محتاج غریب انسان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع یہ ہے کہ کہیں سے صدقہ یا خیرات مل رہی ہو، اور عموماً اس کا معیار اسٹینڈرڈ یہ ہے صدقے کا کہ ہر آدمی جو فقیر ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس جگہ پر جا کر خیرات ہوں جو بڑے سے بڑا امیر آدمی ہو یا حیثیت رکھتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا حیثیت رکھے گا آدمی، اس کی خیرات بھی زیادہ اچھی ہوگی، اور کھل کے دے گا، زیادہ دے گا، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایسی جگہ جا کے خیرات مانگوں، صدقہ مانگوں، کہ جو کوئی بہت امیر آدمی ہو، جیسے اعلان ہو کسی گاؤں کے اندر بستی میں، آج فلاں امیر آدمی جو ہے وہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تو لوگ ہجوم زیادہ ہوگا، کبھی اچھی چیز ملے گی، زیادہ ملے گی. اور دینے والا بھی پھر اپنی چوائس سے انسان کو دیتا ہے، اپنی پسند سے. ہو سکتا ہے کسی کو اتنا خیرات وہ دے دے کہ اس کا کام بن جائے اور ماشاءاللہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں. تو یہ تحمید میں نے اس لیے کی صدقے اور خیرات کی نظر سے کہ بھائی ایک ایسی ذات جس سے بڑا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی روزانہ اپنے بندوں کو صدقہ دیتا ہے. روزانہ اللہ کی طرف سے بندوں کو صدقہ دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ بحیثیت اس کی پسند یا انسانوں کو دیتا ہے. اس کائنات میں الحمدللہ انسان جتنے بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روزانہ صدقہ ملتا ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ اس کی طرف سے جو صدقہ ملتا ہوگا وہ کیا چیز ہوگی، اور الحمدللہ جس انسان کو مل جائے اس کی طرف سے صدقہ، وہ کتنا امیر بن جاتا ہوگا آدمی، کہ جب دینے والا ہے اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. اس سے بڑا نہ کوئی امیر ہے، نہ اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، اور اس سے بڑا ہی نہ کسی کا صدقہ ہو سکتا ہے.
तो क्या क्या सदकात होंगे जो उसके ख़जाने से निकलते होंगे इंसान को, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला ने एक दर्जे रखे हैं और फरमाया कि ख़जाना तो मेरे बहुत है, कीमती से कीमती चीज़ें हैं, आप जो भी नाम दे दें, लेकिन मेरे सदके में एक बहुत ही कीमती चीज़ है और वो है अल्लाह का जिक्र है, जिसको मैं तौफीक देता हूँ अल्लाह का जिक्र की, वो सबसे बेहतरीन सदका मेरा हासिल कर लेता है। और जिसके पास ये सदका पहुँच जाता है अल्लाह का, तो वो गरीब नहीं रहता आदमी, वो गरीब नहीं रह सकता, वो इतना अमीर हो जाता है कि बायजीद बस्तामी, अब्दुल कादर जिलानी, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा सरहंदी, ये वो लोग हैं कि वाकई इनकी इमारत का कोई इनकार नहीं कर सकता। बादशाहों के नाम तो मिट गए लेकिन इनका नाम आज भी जिंदा है। कौन सी दौलत थी इनके पास, आप ये देखें, क्या चीज़ थी जिसको इतना बुलंद किया इन इंसानों को? अल्लाह ताला का एक सदका था जो सबसे ज़्यादा पसंद है अल्लाह को, सबसे ज़्यादा कीमती सदका है। उस सदके को उन्होंने हासिल किया तो सबसे ज़्यादा अमीर लोग बन गए ये। आज बाजिश बस्तानी अलहम्दुलिल्लाह अल्लाह इतने अमीर बने, इतना दर्जा बुलंद हुआ उनका। अल्लाह ताला ने उनका इतना मुकाम बुलंद फरमाया, इतना बुलंद है कि जैसे मिसाल देते हैं इस पर, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम का मलाइक के अंदर बुलंद है मुकाम, इस तरह औलिया अल्लाह पे उनका मुकाम बुलंद हो गया। तुमका एक कौल अपने उस सदके के बारे में फरमाते हैं कि जो अल्लाह की जात के अंदर फना हो गया वो हमेशा जावेद और जिंदा हो गया। तो ये लोग जो थे, एक ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने, तारीखों में लिखी हुई हैं, जानते हैं हम, जिक्र करते हैं उनका कि उनके पास कोई दौलत नहीं थी, लेकिन एक ही चीज़ अल्लाह पाक का ऐसा सदका उनको मिला, अब वो अल्लाह का जिक्र का सदका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र जो है दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, ये दुनिया के अंदर नहीं बल्कि आखिरत तक और दुनिया में इंसान को बुलंद करता है। जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है अल्लाह ताला उसको बुलंद करता है। तो मोहब्बत और दिल के साथ अल्लाह के जिक्र की तरफ तवज्जो रखें और अल्लाह के जिक्र को याद करें, और ख़ास तौर पर देखें कि रमज़ान के अंदर जो अल्लाह तौफीक दे रहा है अल्लाह अपने जिक्र की, अल्हम्दुलिल्लाह हर अमल हर फेल हर चीज़ बुलंद है। लेकिन अल्लाह का ख़ुद फरमान है कि सबसे बेहतरीन सदका रमज़ान में उसको दूँगा जो अल्लाह का जिक्र करने वाला हो। अल्लाह ताला मुझे और आप ज़ात को इस तौफीक के रमज़ान में दे रहे हैं, बहुत बड़ा अल्लाह का करम और फजल और करम है, ना हम कहाँ, ना हमारे माल, ना हमारी कोई हैसियत। बहुत बड़ा फजल है अल्लाह ताला का कि जिक्र की मजलिस हमें नसीब हो रही है। और जैसे कि मैंने हदीस का जिस हिस्सा आपको बताया कि अल्लाह ताला हैसियत के मुताबिक देते हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सदका भी हर एक को नहीं मिलता, बल्कि उसी को मिलता है जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। मरना तो हजूम ना लग जाए लोगों का सदका लेने के लिए, खुद यहाँ तो फिर मस्जिद के हमें खत ट्रबल चो चब्बल मदिस, अगर इस बात पे यकीन हो जाए कि अल्लाह का सदका मिल रहा है, अल्लाह सदका दे रहे हैं जिक्र की सूरत में, तो मेरे घर तो कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। लगता यही कि ना हमें हदीसों पे एतबार है ना कुरान पे, अपने नफ्स अपनी ज़ात पे एतमाद करते हैं। जिन्होंने अल्लाह की हदीसों पे एतमाद किया और सुना और समझे, वाकई ये बहुत कीमती चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने हर चीज़ की कुर्बानी देकर उस चीज़ को हासिल किया। तो इसको छोटी चीज़ ना समझें कि भाई जिक्र करने बैठ गए या जिक्र हम कर रहे हैं या जिक्र सीख लिया। जब ये तौफीक मिल रही हो तो समझ जाओ अल्लाह ने खूब करम फरमा दिया, खुदा फजल फरमा दिया। ख़ास तौर पर रमज़ान के दिनों में और रातों में अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला छोटी बहुत मजलिस अता फरमा देते हैं जिक्र की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
जैसे मैंने अर्ज किया कि किसी अमीर आदमी के पास बहुत सदका बड़ा मिल जाएगा जो मेरे सारे काम पूरे हो गए, बच्चियों की शादी भी कर दूंगा मैं, फला भी कर दूंगा, फला भी कर दूंगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब ये सदका मिल जाए अल्लाह का जिक्र का, तो सारे काम उसके बन जाते हैं, कोई गम उसके पास होते ही नहीं। क्या गम उसको, वो सबसे अमीर हो गया ज़्यादा, हर काम हर फिक्र हर चीज़ उसके अल्लाह ताला पूरी कर देता है। सबसे ज़्यादा हर चीज़ उसके पास आ गई, जिक्र आ गया, अल्लाह का नाम आ गया, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने उसको अता फरमा दी अपने ख़जाने की। सुभानअल्लाह, वसी है अल्लाह ताला, किस ख़जाने की कदर करें जो अल्लाह ताला ने सदका दे रहे हैं, उसको कायम करें और मोहब्बत के साथ बाकायदगी के साथ ख़ास तौर पर रमज़ान में ज़िक्र की तरफ तवज्जो करें, ख़ुद भी अपनी मामूलात को पूरा करें, अल्लाह के ज़िक्र के साथ पूरे दिन और रात को गुजारें और ऐसी मजलिसों में जाकर बैठें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें।